नेपाल के नाइट क्लब में राहुल गांधी अपनी महिला मित्र के साथ जब झूमते दिखे और ये वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा तो इस पर सियासत भी जमकर शुरू हो गई। तमाम ट्रोलर्स और बीजेपी ने इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी कि राहुल पार्टी ज्यादा करते हैं, अपनी पार्टी के लिए कम काम करते हैं। क्लब में पार्टी को लेकर राहुल के पूरी तरह ट्रोल होने के बाद अब कांग्रेस की ओर से भी इस वीडियो पर रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मसले को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए, और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। उधर राहुल के इस वीडियो पर तमाम बीजेपी लीडर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि मैंने वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन वो आए दिन पार्टी करते हैं, वैसे भी उन्हें कोई रोक नहीं सकता। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां किसी को भी पार्टी करने से रोका जा सके। वो पार्टी ज्यादा करते हैं और अपनी पार्टी के लिए कम काम करते हैं। तो बीजेपी लीडर किरण रिजिजू बोले कि वेकेशन, पार्टी, हॉलिडे, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के बॉस होने के नाते उसकी भी फिक्र होनी चाहिए। बात अगर राहुल गांधी के वायरल हो रहे इस वीडियो की हो तो इसे काठमांडू के एक शख्स भूपेन कुंवर ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। वीडियो में राहुल गांधी अपने फोन में बिजी हैं। दूसरे वीडियो में वो एक लड़की के साथ खड़े हैं और उनसे कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस लड़की को ही नेपाल में चीन की राजदूत होई यांग की बताया जा रहा है। भूपेन ने यह भी लिखा है कि यह नेपाल का सबसे बड़ा और बढ़िया नाइट क्लब है। उधर इस वीडियो को लेकर नेपाल की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि राहुल गांधी दरअसल काठमांडू में सीएनएन की रिपोर्टर रह चुकी सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए गए हैं, जो नेपाल में म्यांमार के राजदूत की बेटी हैं। ये उनका निजी दौरा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों को उस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या वो वास्तव में होंग यांकी यानी हनी ट्रैप गर्ल से मिले हैं। अब ये भी समझते हैं कि राहुल के इस वीडियो के साथ हनी ट्रैप गर्ल को क्यों जोड़ा जाने लगा। वीडियो वाली लड़की की चीनी राजदूत हो यांकी से तुलना की जा रही है। हो का नाम 2020 में सामने आया था जब नेपाल में पॉलिटिकल ड्रामा पीक पर था। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो ही नेपाल की राजनीति मैनेज कर रही हैं। नेपाल के पीएम रहे केपी शर्मा ओली को लेकर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि ओली हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं और चीन के पास ओली का वीडियो भी है, यानी यांकी ही उन्हें कंट्रोल करती है। फिलहाल राहुल की पब पार्टी को लेकर आरोप प्रत्यारोप, ट्रोलिंग और भरपूर सियासी सरगर्मी का आलम है और लगातार लोग इस वायरल वीडियो पर अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं।